इसी तरीके से हम बताएं कि इस दौर में इन तावीज गंडों की और उल्टी सीधी बातें की गईं, तो एक आलम का हम जिक्र करें, जनाब अल्लामा सैयद अल्लामा तफज़ुल हुसैन, जनाब अल्लामा तफज़ुल हुसैन कश्मीरी साहब। जनाब अल्लामा तफज़ुल हुसैन कश्मीरी साहब के जो 1801 में दुनिया से रुखसत हुए और जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स जो थी न्यूटन की, उसका अरबी में तर्जुमा किया। अब इनके बारे में रूद कौसर में शेख मोहम्मद इकराम फरमाते हैं, हेडिंग आपके सामने, अल्लामा तफज़ुल हुसैन कश्मीरी वो उलूम रियाजी के बड़े माहिर थे, अरबी फारसी अंग्रेजी लातीनी और यूनानी खूब जानते थे, हुक्माए मगरिब की कई किताबें उन्होंने अरबी में तर्जुमा की। इन्होंने नाम यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने जो एक अहम तरीन किताब तर्जुमा की वो न्यूटन की किताब का तर्जुमा किया। जबर और मुकाबला मगरब इल्म हयात हिंसा और तबीयात की कई मुस्तकिल किताबें खुद लिखी, यानी मैथमेटिक्स पर, अलजबरा पर और फिजिक्स पर इन्होंने कई किताबें खुद लिखी। अब आप देखें कि एक जानब ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी हैं और मुकाबले में दुनिया अहले सुन्नत में कौन है, बूनी है। दूसरी जानब इंडिया में 1801 में तफज़ुल हुसैन कश्मीरी साहब हैं, तो दूसरी जानब जो है वो अब्दुल अजीज दहलवी नजर आते हैं कि जो इस बड़े आलम को काफिर कह रहे हैं। मलफूजाद अब्दुल अजीज, ये इसकी फहरिस्त है और सफा नंबर 117 में कहते हैं कि जो इनके मलफूजाद हैं, यानी जो इन्होंने कहा, वो लिखा गया कि सटेन साहब कि सटेन साहब के काबिल दोस्त बूद, यानी वो मेरे एक अच्छे दोस्त थे, काबिल दोस्त थे। बंदे रहम तलबीद, यानी वो एक जमाने में दिल्ली आए तो इनको बुलाया। वह अमी खास के बे आयद गर्जी के मार्फत तफज़ुल हुसैन, यानी वो मिलवाना चाहते थे इस मौलवी अब्दुल अजीज को तफज़ुल हुसैन खान से। तफज़ुल हुसैन कौन है, हमने बताया कि उस जमाने में न्यूटन किताबों के तर्जुमे किए, फिजिक्स की और मुख्तलिफ किताबें मैथमेटिक्स की लिखी। अब ये इनको कह रहे हैं, क्योंकि वो शिया थे, तो क्या कह रहे हैं, तफज़ुल हुसैन के मुलहिद कामिल बूद, यानी इस आलम दीन को शिया होने के जुर्म में मुलहिद कामिल कह रहे हैं। और बाद में बुख्स की वजह क्या बता रहे हैं, चूं मंजिल मी कर्द राफजी मीशुद, यानी जहां भी वो रुकते थे तो लोगों को राफजी बना देते थे, क्योंकि इतने काबिल थे कि हत्ता बाज अंग्रेज उनकी तारीफ करते थे। और इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से एक लेक्चर देंगे। मिर्जा तफज़ुल हुसैन मौलवी अब्दुल अजीज तफज़ुल हुसैन साहब को काफिर कह रहे हैं, लेकिन अपने अब्बा के नजरियात नजर नहीं आ रहे हैं, यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के नजरियात नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके सामने किताब है, कौलुल जली फी जिक्र आसारुल वली, यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बारे में, और यह किताब लिखी है हजरत मौलाना मोहम्मद आशिक भुलती ने। अब इस किताब में अगर आप देखें कि इंतसाब किससे, हजरत अकदस मुर्शिद मुर्शिदना नायबुर रसूल, अब इनको लखब दे दिया नायबुर रसूल। अब बिलाखिर पूछा जाए, बाबा नायबुर रसूल मौला अमीरुल मोमिन ने हमारे नजदीक, तुम्हारे नजदीक नायबुर रसूल, बिलाखिर ये तीन हजरात हैं और हैं, तो ये क्या से नायबुर रसूल हो गए, ये नायबुर रसूल कहना जायज है या नहीं है। और उसके बाद क्या, कायम जमान, यानी जब शियों में देखा इमाम जमान उनका लखब कायम, यानी हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का, तो इनको लखब दे दिया कायम जमान शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। अब यहां पर फकत एक ही जलवा दिखा देते हैं, चिल्ला कशी के में ये कहते हैं कि जब ख्वाब में हजरत अकदस का देखना ऐन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना है, यानी अब कोई पूछने वाला नहीं है देवबंदी बरेलवियों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने नहीं देखा बल्कि इनको देख लिया, तो इनको देखना ऐसा है, इनका जुमले ऐसे हैं, इनकी बातें ऐसी हैं जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। अब यहां पर ये मौसूफ, यानी मुहद्दिस दहलवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, ये अपने फजाइल बयान कर रहे हैं गया, और फिर इस बारे में मौसूफ बड़े आराम से फरमाते हैं, और हेडिंग आपके सामने है, मौजज़ा नबी हम में है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है वो
शाह वली मोहतज़ अलवी कहते हैं कि वह मुझ में है। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु वसल्लम के का मौजज़े से ही बरकत जाहिर होगी। अच्छा, ये मौजज़ा पे इन्होंने करके दिखाया, नबी सल्लल्लाहु वसल्लम का मौजज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा हम में है, ये फरमा रहे हैं मुझ में है। ये ख्वाब में नहीं फरमा रहे, ये बेदारी में अपना ख्वाब बता रहे हैं और अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि उनका मौजज़ा मुझ में है। फिर उसके बाद तकरार होती है, हजरत अकदस ने फिर वही बात फरमाई, ये मौजज़ा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद बार जाहिर हुआ और वही मुझ में भी मौजूद है। यानी ये दावा कर रहे हैं कि मौजज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक मौजज़ा इन मौसूफ़ में है। अब कोई नहीं कह रहा कि ये शिर्क है या नहीं है। अगर हम कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में मौजज़ात हैं तो वो कुफ्र हो जाता है, इनके बारे में कह दें तो नहीं होता है। अब जिस ज़माने में अल्लामा तफज़्ज़ुल हुसैन साहब न्यूटन की किताबों का तर्जुमा कर रहे थे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और अलजबरा लिख रहे थे, उस ज़माने में ये अंगूठियां बना रहे थे मौसूफ़, और ये कहते हैं कि मैंने दो अंगूठियां बनाई और ख़वातीन को दी तो वो अंगूठियां नाराज़ हो गईं और ख़वातीन से को बीमारी लग गई। फिर उसके बाद जो है वो पता चला कि जी मैंने इनको अंगूठियों को समझाया। इन अंगूठियों में से एक ने जो शरफ़ कमर से मुतालिक थी मुसालहत कर ली, यानी उसने मामला का रफा दफा कर लिया। जो शरफ़ जोहरा से मुतालिक थी इसको बेमुकाबले अव्वल शिकायत जायद थी, वो मुसालहत के लिए तैयार ना हुई, चुनाचे कुछ अरसे बाद वो घर से गुम हो गई। ये वो सारी खुराफात हैं कि जिनको ये बयान कर रहे थे, तो कोई बात नहीं है।